अगली खबर आ रही है मुरैना से, जहां सुमावली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के मायके वालों का कहना है कि बेटी को गला दबाकर मारा गया है। दूसरी तरफ महिला के ससुराल वालों का कहना है कि सामान समेटकर भाग गई है। महिला के भाई का कहना है कि उसके ससुराली जन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुमावली थाना पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। किरण गुर्जर की शादी 2015 में सुमावली क्षेत्र के गांव लोहा बसई गांव के अतेंद्र सिंह गुर्जर के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसका उसके पति के साथ किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इसी बीच उसकी एक बेटी हुई। बेटी की उम्र अभी 1 साल है। बीते कुछ दिनों से पति पत्नी में झगड़ा बढ़ गया था। किरण गुर्जर के भाई सुजान सिंह ने बताया कि किरण के ससुराली जन उसकी बहन को पिछले 2-3 साल से दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। उसका आरोप है कि उसकी बहन को गला घोटकर मार डाला गया है। जब उन्हें बहन के मरने की सूचना मिली तो वे यहाँ आए। यहाँ आकर उन्हें उनकी बहन की लाश घर में पड़ी मिली है तथा घर के सभी सदस्य भाग चुके थे। वे अपने साथ घर का जरूरी सामान व भैंस आदि भी ले गए हैं। सुजान सिंह ने बताया कि उसकी बहन से उसकी बीती रात को बात हुई थी, जिसमें वह चीख रही थी और कह रही थी कि उसके पति व ससुराली जन उसे पीट रहे हैं। उस समय वह दिल्ली में था, इसलिए तुरंत नहीं आ सका। छोटा भाई सोमवीर गुर्जर ग्वालियर में था। हम लोग दूसरे दिन सुबह 6 बजे बहन की ससुराल पहुंचे तो देखा कि घर में उसकी लाश पड़ी है और घर के सभी लोग वहां से जा चुके हैं। साथ में वे लोग घर का सामान व उसकी बेटी भी ले गए। किरण का मायका ग्वालियर के मुरार में है। उसके मायके पक्ष के लोगों ने उसका PM करा दिया है। सुमावली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, लेकिन सुमन के मायके वाले ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज कराने की जिद पर अड़े हुए हैं। मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। जब PM रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद धाराओं में इजाफा किया जाएगा। जहां तक मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि हत्या का केस दर्ज करें, वे अभी भी लाश को रखे बैठे हुए हैं। पति का नाम है अतेंद्र सिंह और उनके पिताजी का नाम है छोटे सिंह। और मेरी बहन को उन्होंने गला घोट के कैसे मारा है मुझे नहीं पता। लाश पड़ी मिली है घर पे और सारा घर खाली मिला है। वहाँ कोई नहीं था, ना ही हमें सूचित किया गया। हमें किसी दूसरे के द्वारा सूचना मिली कि ऐसी ऐसी तुम्हारी बहन का मर्डर हो गया है और ये पड़ी है। जब चीख रही थी बोली कि मुझे ये मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बेहद तरीके से मार रहे हैं। उस समय हम रात की थी, मैं दिल्ली में था, छोटा भैया मेरा घर पे था, ये आ रहा था। जब तक ऐसी पता नहीं था कि एक रात में ये मर्डर कर देंगे उसका। पहुंचे ना 6:30-7 बजे भाई पहुंच गए। मिला उनके परिवार से कोई नहीं मिला। वहाँ सामान वामान ले गए, अपनी भैंस जो उनके जानवर थे उसको ले गए, ट्रैक्टर था उसको ले गए, घर के बूढ़े बुजुर्ग सब लोग, वहाँ कोई भी नहीं था। लाश पड़ी थी आई थी, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं हुई उस मामले में। आश्वासन नहीं मिला, अभी बोल रहे हैं कि हम कर देंगे रिपोर्ट आने दो। अभी शॉर्ट रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद देखते हैं, मैडम से बात करते हैं, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं है तो फिर धरना वगैरह करना पड़ेगा। और क्या